सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम माय अंदर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी जो कि मैं रेंडमली ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ, जो कि मैं अभी जा रहा हूँ पटना, और जो कि मैं पटना जा रहा हूँ काम से, जो कि हॉस्टल पर। तो चलिए अभी यहाँ से चलते चलते ब्लॉग बना ले रहा हूँ। और इधर मेरा भांजा जो मुझे लाइक करना गाइस और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें गाइस हम लोग को, क्या कि बहुत ज्यादा हम लोग का चैनल कमजोर पड़ गया है। पहले जैसा कि चैनल था वो चैनल हम लोग को बहुत अच्छा था, अभी तक मामा का चैनल बहुत। तो गाइस इतना ही बोलूंगा मैं, तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं खैरिया, फिर चलेंगे धनबाद, जो कि मेरा रात में ट्रेन है, जो कि रात 11:20 में। तो वहाँ जाकर मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा, क्या है क्या नहीं सारा कुछ। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बन रही है। तो फ्रेंड, जो कि फाइनली मैं जो कि ऑटो से जो कि झरिया से उतर कर धनबाद आ चुका हूँ, और स्टेशन जो कि थोड़ा सा ही दूर में है, क्योंकि दो चार कदम होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अभी रात जो कि लगभग बज रहा 8, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ खा लेता हूँ खाना, जो कि रात में मुझे 11:20 में ट्रेन है। तो मुझे नहीं पता कि रात में ट्रेन से शायद से कुछ मिलेगा, तो चलिए अभी थोड़ा मैं यहाँ पर कुछ खा लेता हूँ, फिर स्टेशन में चलते हैं। और तो जो कि थोड़ा सा यहाँ पर बाल थोड़ा कटवा लेते, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा खराब दिख रहा है, जैसे थोड़ा बाल कटवा लेते उसके बाद फिर जाते हैं। तो फिर फाइनली जो मैंने बाल कटवा लेते काफ़ी लोग थोड़ा छोटा कर दिया, और चलिए अब चलते हैं धनबाद स्टेशन, यहाँ पर कुछ खा भी लिया है और बाल भी कटवा लेते हैं। और एक बात, जो कि मुझे अभी ट्रेन 3.5 घंटा लेट है, थोड़ा सा जाए इधर मूँगफली इधर ले लेते, जो कि प्लेटफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा जो कि टाइम को निकालने के लिए, और एक टाइम पास है। तो चलिए था यहाँ पर मूँगफली ले लेते कुछ। और तो जो कि ये रहा धनबाद स्टेशन के बाहर का लुक, और आप भी बोल सकते हैं लुक। तो चलिए अभी चलते हैं टिकट काउंटर और टिकट कटवाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मिलते हैं प्लेटफॉर्म में। ये रहा प्रवेश द्वार, और जो भी टिकट काउंटर है इधर, तो चलिए अभी टिकट काउंटर चलते हैं। गेट नंबर 1 प्रवेश निषेध, एक एटीएम मशीन की तरह, जो कि इसमें भी टिकट आप ले सकते हैं, और उधर भी टिकट काउंटर है, तो सबसे अच्छा चलिए इसी में ले लेते हैं। फाइनली देख सकते अभी पटना के लिए टिकट जो कि ले लिया है, तो चलिए अभी चलते फिर। तो चलिए अभी चलते प्लेटफॉर्म में। और तो जो कि मैं बहुत दिन के बाद धनबाद स्टेशन में घुसा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ काम ही नहीं पड़ता जो कि धनबाद स्टेशन आना पड़े। और तो देख लीजिए जरा, ट्रेन लगातार आना जाना करते रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं अपना ट्रेन का वेट करता हूँ, जो अभी बज रहा है 8:30, जो कि अभी बहुत ही टाइम ज़्यादा टाइम है। तो चलिए वेट करते हैं आप प्लेटफॉर्म में, जो कि यहाँ ओवरब्रिज पर आए थे, जाएंगे कुछ ही देर बाद। तो चलिए और वेट करते हैं। और तो और जो कि अभी रात की बज रहा 10, और मेरा आँख सब जो देख सकते अभी काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुका है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा हमको नींद आ रहा है। अभी प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, बहुत देर से ही प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, और अभी ट्रेन आने वाला है, तो देखते हैं सीट मिलता है तब जाकर सोएंगे ट्रेन में। तो चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। फाइनली जो कि मैं ट्रेन पे अभी बैठा हूँ, और रात का भी बज रहा है, और जल्दी सभी कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि अपना सीट छोड़ के जो कि दूसरा को दे दिए, इसलिए साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कोई बात नहीं, तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है, सीट पे काफ़ी ज़्यादा पैर पे जो कि दिक्कत आ रहा है, पेन हो रहा है, दर्द कर रहा है,
मिले हैं यहीं पर जमीन में, थोड़ा अच्छा लग रहा है तो चले अभी। और काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा और आँख भी लाल हो गया अभी, और ज़मीन पे तो नींद आएगा नहीं इसलिए अभी सो नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पटना पहुँच के थोड़ा सा नींद मारेंगे। और अभी क्योंकि अभी बज रहा है एक, अभी भी 4:30 घंटा बाकी है जो कि 5:20 में उतारेगा ट्रेन। कोई नहीं दोस्तों, चलिए चलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, जो कि अभी बज रहे रात के 3 और भीड़ आप लोग देख सकते, जो कि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है बिहार में, भीड़ तो आप लोग देख ही लिया, बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी ये है गया स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर आधा घंटा अभी ट्रेन रुकने वाली है, चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड्स, फाइनली जो कि अभी पटना जंक्शन में उतर चुके हैं, और इधर ट्रेन जो कि आज एग्जाम है बिहार का, कुछ शायद पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और 7 बजे को सही नहीं थे, बहुत ही दिक्कत हुआ। तो चलिए था इसका पटना जंक्शन का आप लोग पहले भी एक वीडियो आप लोग दिखा चुके थे, जो कि मेरा चैनल पे रिव्यू इस कंटेंट की वजह से जो कि लेट हो चुका है। तो चलिए अभी थोड़ा इसका और भी आपको बाहर निकल के व्यू दिखाते हैं, और भी एक अलग से वीडियो आएगा पटना जंक्शन का, जो कि ये धनबाद टू पटना था। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर। देखिए ये रहा पटना जंक्शन, ये अभी सुबह का बाज रहा 5:15। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि जाना है हमको उधर। ये रहा पटना जंक्शन, तो चलिए थोड़ा सा भी आप लोग बाहर निकल के दिखाते हैं। और ये है गंगा दामोदर, और तो जो देख सकते अभी कितना भीड़ है, जैसे गंगा दामोदर घुसा भीड़ देखिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो कि पहुंच गए पटना जंक्शन, देख सकते पटना जंक्शन का व्यू। तो चलिए ये वीडियो जो कि धनबाद टू पटना जर्नी था, आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके थोड़ा बताइएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो कि पटना जंक्शन पहुंच चुका, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।